हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं अभिषेक भार्गव, भार्गव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है राजस्व निरीक्षक परीक्षा, जो आरआई अभी व्यापम लेने वाला है उसके लिए कंप्यूटर का एमसीक्यूज है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो बता दीजिए। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आरआई और पटवारी के, तो ये मैं आप लोगों को करा देता हूँ, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस टाइप के कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो हमारा कंप्यूटर का सिलेबस चल रहा है उसको तो हम कंप्लीट करेंगे ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले भाई एक बात कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन है इसे दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लो। सामने जो बेल का आइकन है इसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आता है और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके अंदर में पहला एमसीक्यू क्या है। देखिए, पहला एमसीक्यू में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है। सबसे पहली बात तो है कि हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है। तो देखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वह प्रिंटर जिसमें छपाई के लिए, ठीक है, जिसमें प्रिंटिंग के लिए, छपाई के लिए स्याही वाला रिबन पन्नों के ऊपर चोट नहीं करता। यानी कि जो टाइपराइटर होता है, टाइपराइटर आप लोगों ने देखा होगा जो चोट कर 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 क्या बनाता है, अक्षर बनाता है, तो वह ऐसा नहीं होता, उसको कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, क्या होता है वह प्रिंटर जिसमें छपाई के लिए स्याही वाला रिबन पन्नों के ऊपर चोट नहीं करता वह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। इन प्रिंटर में छपाई के लिए स्प्रे और अन्य इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखिए, मैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के आपको उदाहरण बता देता हूँ, जैसे कि होता है लेजर प्रिंटर, ठीक है, और इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो टाइप राइटर के समान क्या करता है, छापने का काम करता है, ठीक, उसके ऊपर जोर लगाता है। ठीक, तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर होता है डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, डेजी व्हील, ड्रम, ये सब क्या होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, तो क्या आएगा, लेजर प्रिंटर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, लेजर प्रिंटर। ठीक, उसके बाद में ऐसा कंप्यूटर वायरस जो स्वतः दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम में जुड़ जाता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम टारगेट प्रोग्राम। क्या कहते हैं, टारगेट प्रोग्राम। देखिए, वायरस क्या होता है, तो वायरस जो होता है ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो खुद ब खुद आपके कंप्यूटर में क्या हो जाता है, अपने आप को संयोजित कर लेता है, उसको कहते हैं वायरस। ठीक है, वायरस क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो खुद ब खुद आपके कंप्यूटर में अपने आप को क्या कर लेता है, संयोजित कर लेता है। ठीक, अपने आप को रख लेता है, संयोजित कर लेता है। एक कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। क्या होता है, एक कंप्यूटर वायरस जो होता है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ठीक है, वायरस के बहुत सारे प्रकार भी होते हैं, जब मैं वायरस आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। वायरस के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं बूट सेक्टर, फाइल वायरस और अन्य वायरस। ठीक, तो इसका सही आंसर जो था वो था टारगेट प्रोग्राम। कर्सर को टेक्स्ट लाइन के शुरू में लेने के लिए कौन सा की दबाना पड़ता है। देखिए, कर्सर को जब हम टेक्स्ट लाइन के शुरू में लेने के लिए कौन सा की दबाना पड़ता है, तो हमको दबाना पड़ता है होम की। क्या दबाना पड़ता है, होम की। तो इसका सही आंसर क्या है, होम की। उसके बाद में दूसरे यूजर द्वारा अपनी गलत पहचान देकर एक कंप्यूटर यूजर की गुप्त इंफॉर्मेशन प्राप्त करना कहलाता है। क्या कहलाता है, ये कहलाता है फिशिंग। क्या कहलाता है, फिशिंग। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो फिशिंग होता है, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार मछली पकड़ने के लिए कांटे में चारा डाला जाता है और चारा खाने के लालच में आकर मछली कांटे में फंस जाती है, उसी प्रकार फिशिंग भी हैकर्स द्वारा इंटरनेट पर क्या होता है, नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से इंटरनेट यूजर के साथ में की गई धोखेबाजी को क्या कहते हैं, फिशिंग कहते हैं। ठीक है, जिसमें वह अपनी निजी जानकारी धोखेबाजी के माध्यम से चुरा लेते हैं। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, फिशिंग कहते हैं। और फिशिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि स्पेयर फिशिंग जो 90% होता है। क्या होता है, स्पेयर फिशिंग जो होता है वो 90% प्रचलित है हैकर्स में। उसके बाद क्लोन फिशिंग, फिर है वेलिंग, फिर है लिंक मैनी, तो ऐसे बहुत सारे हैं, फोन फिशिंग, तो बहुत सारे फिशिंग के तरीके होते हैं। ठीक है, तो फिशिंग के बारे में जान लीजिए क्या होता क्या है। ठीक, उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, सीपीयू एवं बाह मेमोरी के मध्य एकल आदान प्रदान को कहते हैं, तो एकल आदान प्रदान को कहते हैं आईओ साइकिल। ठीक है, क्या कहते हैं, आईओ साइकिल। ठीक, इसका सही आंसर है आईओ साइकिल। इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो जो क्रोम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्रोम क्या है, क्रोम है एक वेब ब्राउजर। ठीक है, और बाकी सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ओएस। ओएस क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, जो कंप्यूटर का एक तरीके से क्या होता है, दिल कहते हैं इसको, कंप्यूटर का दिल कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। ये यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है। तो क्रोम जो है वो है वेब ब्राउजर। ठीक है, उसके बाद TIFF का पूर्ण नाम क्या है, तो TIFF का पूर्ण नाम है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। क्या है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट।
डिजिटल डेटा को टेलीफोन नेटवर्क पर प्रेषित करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी है, तो क्या है वो है DSL। ठीक है, अब आप लोग क्या करिएगा, ये जो DSL है इसका फुल फॉर्म आप लोग खोजकर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको टारगेट मिलना चाहिए या वर्क मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नवा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गूगल का सॉफ्टवेयर नहीं है, क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा गूगल का सॉफ्टवेयर नहीं है, इसका सही आंसर है स्केचअप। ठीक है, क्या है स्केचअप, जो है वो गूगल का सॉफ्टवेयर नहीं है स्केचअप। गूगल एक क्या है, गूगल जो है एक क्या है, तो गूगल एक क्या है सर्च इंजन है, क्या है सर्च इंजन। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो IMP याद रखिएगा, गूगल क्या है एक सर्च इंजन है। ठीक है, और देखिए यहां पर एक चीज और बता देता हूं, जो गूगल है इसका फुल फॉर्म जो है वो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये इसका जो है फुल फॉर्म है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा, गूगल का फुल फॉर्म। ठीक है, गूगल क्या है एक सर्च इंजन है, याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, VGA का पूर्ण रूप है, तो VGA का पूर्ण रूप होता है विजुअल ग्राफ एरे, क्या होता है विजुअल ग्राफ एरे, VGA। VGA कैमरा आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार। PU माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो देखिए PU माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए हम सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं सिलिकॉन का। ठीक है, याद रखिएगा, ये हो गया 12 क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन की तरफ चलिए, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो वेब ब्राउजर पूछा जा रहा है, तो देखिए ओपेरा है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उबंटू नहीं है। ठीक है, उबंटू नहीं है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, क्या है उबंटू, क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते हैं, तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें प्रयोग किया जाता था वैक्यूम ट्यूब, और ये चलन में था 1940 से 1956 के बीच में, क्या है निर्वात नली का प्रयोग किया जाता था, निर्वात नली कहा जाता है इसको हिंदी में, वैक्यूम ट्यूब। उसी प्रकार इसमें बहुत सारी चीजों को आपको जानना है। दूसरी पीढ़ी जो थी 1956 से 1963, इसमें था ट्रांजिस्टर, ठीक है, क्या था ट्रांजिस्टर। फिर तीसरी पीढ़ी में क्या था IC इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, एकीकृत सर्किट जिसको कहा जाता है। फिर चौथी पीढ़ी में क्या था माइक्रो प्रोसेसर, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, चार पांच पीढ़ी तक याद रखिएगा क्योंकि कहीं से भी पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है प्रथम पीढ़ी का वैक्यूम ट्यूब। MPG किस तरह के फाइल एक्सटेंशन है, MPG जो है वो वीडियो फाइल एक्सटेंशन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है MPG, MPEG, ठीक है, तो ये क्या है फाइल एक्सटेंशन। निम्न में से कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर के ग्रुप है, देखिए जब तक आप लाइन प्रिंटर के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप नहीं जानेंगे, जैसे कि आपने इम्पैक्ट पढ़ा, नॉन इम्पैक्ट पढ़ा, तो उसी प्रकार लाइन प्रिंटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए लाइन प्रिंटर जो होता है वो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, देखिए लाइन प्रिंटर यह भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर का क्या है उदाहरण है, किसका है इम्पैक्ट प्रिंटर का। बड़े कंप्यूटर के लिए उच्च गति के प्रिंटरों की आवश्यकता होती है, जो बड़े प्रिंटर होते हैं उसके लिए क्या करते हैं उच्च गति के प्रिंटरों की, यानी कंप्यूटर के लिए उच्च गति के प्रिंटरों की आवश्यकता होती है। उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छापने की बजाय क्या करते हैं, वो एक लाइन को छाप देते हैं, यानी कि जैसे कि मान लो ये ऐसी लाइन है, तो वो एक लाइन को क्या करते हैं छापते हैं, एक कैरेक्टर को नहीं एक लाइन को पूरा छापते हैं। ठीक है, तो लाइन प्रिंट को एक बार में छाप सकते हैं, इनकी छापने की जो गति होती है वो 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है, कितनी होती है 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। ठीक है, तो लाइन एक पूरी लाइन को छाप लेते हैं तो उसको कहते हैं लाइन प्रिंटर, और लाइन प्रिंटर में जो आपका काम आता है वो आता है ड्रम प्रिंटर, चैन और बैंड प्रिंटर। ठीक है, ये इसके एक ग्रुप है, क्या है ड्रम प्रिंटर, चैन और बैंड प्रिंटर। ठीक है, देखिए मैं आपको यहां पर बता भी देता हूं, जो इस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के ऐसे कुछ होता है, ठीक है, यहां पर जो होंगे कैरेक्टर छपे हुए होंगे, ये ऐसे IV या कुछ भी, ये जो है ड्रम प्रिंटर है, क्या है ड्रम प्रिंटर। ठीक है, उसी प्रकार एक होता है चेन प्रिंटर, तो चेन प्रिंटर कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, चेन प्रिंटर कुछ इस प्रकार होगा, ये ऐसे चेन लाइन होगी ऐसे, और यहां पर जो है कैरेक्टर्स होंगे ऐसे चेन में, ऐसे चेन कैरेक्टर। ठीक है, ये होगा चेन चैन, ठीक है, उसी प्रकार होता है बैंड प्रिंटर, तो ये वो बैंड प्रिंटर भी इसी प्रकार कुछ होता है, ये होता है ड्रम, ये होता है चैन। ठीक है, तो याद रखिएगा लाइन प्रिंटर में क्या क्या होता है, ड्रम प्रिंटर, चैन और बैंड प्रिंटर। ठीक है, ये उसके क्या है एक ग्रुप है। वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर या अक्षर किसी मैकेनिकल इंपैक्ट के बिना बनते हैं उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, क्या कहा जाता है नॉन इंपैक्ट
प्रिंटर बिना किसी मैकेनिकल इंपैक्ट के जो बनते हैं उसको कहते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो जो लिनक्स है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोलारिस ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या होगा इनमें से कोई नहीं है, 18वां का। निम्नलिखित में से कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर के ग्रुप है? देखिए ये क्वेश्चन क्या थोड़ा गलत हो गया है, गलत टाइप हो गया। ठीक है, प्रथम पीढ़ी तो ये मैंने बता दिया है कि वैक्यूम ट्यूब था। अच्छा दोबारा छप गया शायद। एमपीजी के किस तरह के फाइल एक्सटेंशन है? तो ये वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है, दोबारा छप गया दोनों क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है? जो आधारभूत कार्य है वो कंप्यूटर का नहीं है, तो वो है टेक्स्ट कॉपी करना। क्या? टेक्स्ट कॉपी करना आधारभूत कार्य नहीं है इसका। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से सही है? जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में निम्नलिखित में से सही है, तो क्या है? तो Ubuntu तो ये सभी क्या है इसके सही ऑप्शन है, ये सभी। तो इसमें आएगा ये सभी। ठीक है, ये जो जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के पटवारी और आरआई के प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद में 24वां जो प्रश्न है उसमें चलते हैं। तो देखिए पूछा जा रहा है A4 इंगित करता है, जो A4 है वो इंगित करता है। A4 क्या इंगित करता है? सेल A2 से सेल A4। इसका सही आंसर क्या होगा? A2 से A4, सेल A2 से सेल A4। ठीक है, सेल A2 से सेल A4 है। ठीक है, इसका सही आंसर ये वाला है, सेल A2 से सेल है ये, यहां पर ना जो है सेल A4 है। ठीक, एक पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने के लिए खाली स्थान शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। जो एक पैराग्राफ इंडेंट है उसको बढ़ाने के लिए खाली स्थान शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोग कौन से किया जाता है? कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया वो उसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन। बहुत सारे लोगों ने लॉगिन मार किया था, बहुत यानी जो दो साल एक साल पहले जो आरआई का एग्जाम हुआ था वहां पूछा गया था, या पटवारी में पूछा गया था क्वेश्चन, देख लीजिएगा, पटवारी में पूछा गया था मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ऑथेंटिकेशन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एड्रेस हर रोज नहीं बदलता? देखिए निम्नलिखित में से कौन एड्रेस हर रोज नहीं बदलता, तो ये है यूनिक आईपी। ठीक है, यूनिक आईपी जो है हर रोज एड्रेस नहीं बदलता है। उसके बाद में 28वां क्वेश्चन है कि एफटीपी का उपयोग होता है, जो एफटीपी है यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका उपयोग होता है। तो ये होता है इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, इसका नाम ही है इंटरनेट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मैलीशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता? मैलीशियस प्रोग्राम है एक तरीके का वायरस है, तो यह है ट्रोजन हॉर्स। ठीक, उसके बाद एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा की प्रक्रिया को कहलाता है, डेटा की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है कंट्रोलिंग। क्या कहलाती है? कंट्रोलिंग। ठीक है, उसके बाद सर्च इंजन क्या है? तो आप सभी जानते हैं सर्च इंजन क्या है, एक प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब दस्तावेजों की खोज करता है। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब है WWW, जो हम लोग कहते हैं ना, तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब दस्तावेजों की खोज करता है। ठीक है, तो क्या है सर्च इंजन? क्या है? WWW वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है। तो ये आपके कुछ प्रश्न थे जो पटवारी और आरआई में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो इसी प्रकार के प्रश्न जो है वो इस बार भी आरआई के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और अभी तक जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही था, जय हिंद जय भारत। हाँ, इसके बाद में जो हमारा सिलेबस का जो वीडियो है वो आएगा सेकंड पार्ट वाला। ठीक है, जय हिंद जय भारत।